जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी अभी के समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसका बैंक अकाउंट नहीं होगा। लेकिन लगभग खासतौर पर जब से जनधन खाता 2014 में लॉन्च किया गया है कि हर बैंकों को जनधन खाता खोलना है, उस वक्त के बाद तो जिसके पास खाता नहीं था, गाँव गाँव कस्बा कस्बा जो मजदूर है जो कुछ अनपढ़ है उनके पास भी बैंक अकाउंट हो गया हुआ है। तो लगभग सभी लोग, लेकिन ज़्यादातर लोग सेविंग अकाउंट ही इस्तेमाल करते हैं जिसे बचत खाता कहते हैं, तो बैंक में रहता ही है। अब बहुत लोगों के मन में ये शंका है, ये सवाल है, ये सोचते रहते हैं कि जो बैंक अकाउंट मेरा है सेविंग बैंक अकाउंट, अब उसमें कितना का लेन देन करेंगे कि इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा, कितना पैसा रखेंगे साल में, कितना लेन देन करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डर रहता है कि कहीं ज़्यादा पैसा रखेंगे, ज़्यादा निकालेंगे, ज़्यादा लेन देन करेंगे तो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा, बैंक कोई क्लेम कर देगी, पैसा में कोई दिक्कत आ जाएगा। आज इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि सेविंग अकाउंट पर कितना लेन देन आप कर सकते हैं साल में, और अगर उससे अधिक लेन देन करना कर रहे हैं तो क्या आपको प्रक्रिया अपनाना है, आपको इनकम टैक्स का नोटिस कब आएगा, इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल होता है वो करना चाहिए या नहीं चाहिए, किसको ज़रूरत है किसको नहीं ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें एक वीडियो में ही बताने जा रहा हूँ। इसी वीडियो में सारा क्लियर करूँगा। दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक आप जरूर कर देंगे और पूरे वीडियो में आप बने रहिए। देखिए आपके पास सेविंग अकाउंट है तो आप उस पर लेन देन कर रहे हैं तो कोशिश क्या करें आप कि ज़्यादातर ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन करें, ऑनलाइन ही लेन देन करें, क्योंकि सरकार ने कहा कि डिजिटल लेन देन आप कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि उससे सबूत रहता है, प्रूफ रहता है कि आप पैसा कहाँ पे किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपके अकाउंट में जो ट्रांसफ़र आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो उसका सोर्स ऑफ इनकम पता रहता है। इसके अलावा सोर्स भी पता रहता है कि पैसा किस लिए आया है, कहाँ जा रहा है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा कैश लेन देन, कैश अगर अकाउंट में आप जमा करते हैं, कैश निकालते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार ने लिमिट तय कर रखा है कि कैश लेन देन आप साल में 10 लाख रुपया का ही सेविंग अकाउंट पे कर सकते हैं, मतलब 10 लाख रुपया ही जमा कर सकते हैं पूरे साल में, कैश की बात बता रहा हूं। लेकिन आप ऑनलाइन लेन देन करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन पैसा मंगाते हैं, तो उसके लिए किसी प्रकार का कोई लिमिट नहीं है, इस चीज को समझिए आप। बहुत सारे लोगों को डर रहता है कि मैंने इतना ट्रांजेक्शन कर लिया, इसके लिए कोई सेविंग अकाउंट पर लिमिट नहीं है, सब अलग अलग लोगों के भ्रांतियाँ हैं, लेकिन आरबीआई की तरफ से ऐसा कोई भी गाइडलाइन या निर्देश या फिर नोटिफिकेशन नहीं है कि आपको इतने लिमिट में ही सेविंग अकाउंट पर लेन देन करना है, आप अनलिमिटेड भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको कि आपको उसका सोर्स सोच के रखना है, आपको सोर्स लिख के रखना है कि यह पैसा आया कहाँ से, ये पैसा जा कहाँ रहा है, किस काम का पैसा है। अगर आपके पास सोर्स पता है तो फिर कितना भी ट्रांजेक्शन कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, वो उनके लिए दिक्कत है जिसको सोर्स पता ही नहीं है, कहीं से पैसा मंगा रहा है, कहीं पे भेज रहा है, गलत लोगों से पैसा मंगा रहा है, गलत लोगों को भेज रहा है, उनके लिए डर है, उनके लिए दिक्कत है। लेकिन आपको पता है कि मेरा लीगल पैसा है, मेरा एक नंबर का पैसा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बिजनेस का पैसा है, नौकरी का पैसा है, काम का पैसा है, तो उसके लिए कितना भी ट्रांजेक्शन कीजिए किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आता। अब बता रहा हूँ कि अनलिमिटेड अगर लेनदेन करते हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मान लिया जाए कि ठीक है पैसा लीगल है लेकिन टैक्स तो मुझे देना ही पड़ेगा, और ये सत्य भी है। तो आपको बता दो, देखिए आप जो ट्रांजेक्शन करते हैं ट्रांजेक्शन, तो ITR फाइल हर साल आप करिए, हर साल, चाहे आप 2 लाख रुपया ही अकाउंट पे लेन देन कर रहे हैं, 5 लाख ही कर रहे हैं, 7 लाख ही कर रहे हैं, 10 लाख कर रहे हैं, 20 लाख कर रहे हैं, 50 लाख कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ITR फाइल कीजिए। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति है कि भाई 5 लाख रुपया तक, 6 लाख रुपया तक, 7 लाख रुपया तक तो इनकम टैक्स का छूट है, इसके अंदर में लेन देन करेंगे तो ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है, इससे अधिक करेंगे तो हमको ITR फाइल करना है, ऐसी बात नहीं है। आप अगर 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो ITR फाइल कीजिए। इससे क्या होता है कि इससे बैंक को भी पता चल जाता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पता चल जाता है कि आप ये इनकम कहाँ से कर रहे हैं, कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च हुआ, टैक्स आपको लगने का नहीं है। ITR फाइल कर देते हैं तो इससे आपका क्या होता है, सारा सोर्स क्लियर हो जाता है, कभी आपके पास नोटिस नहीं आता है। अब 10 लाख का भी लेन देन कर रहा है, 20 लाख का भी कर रहा है, 50 लाख का भी कर रहा है, ITR फाइल कर दिए तो आप वहाँ पे दिखाइए कि मेरे पास इतने पैसे आए, इस काम में मैंने इस्तेमाल कर लिया, मैंने ये खरीदा, मैंने ये काम में यूज किया। आपको टैक्स नहीं देना है, टैक्स नहीं लगेगा, आप अपने पैसे को किसी वर्क में इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई गैजेट खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, तो उसके लिए अलग नियम बनाया गया है, तो जो खर्च में आपका जो आता है, बच्चे का ट्यूशन फी भर रहे हैं, स्कूल फी भर रहे हैं, उसमें टैक्स नहीं लगता है, तो वो पैसा काट के ही आपके पास जो इनकम इनकम जो होता है, जो आपका बचत है उस पे टैक्स लिया जाता है। और वो साल का अगर 7 लाख के अंदर में है,
तो एक रुपया भी टैक्स नहीं देना है। मतलब कि आपके पास अगर 10 लाख की, सीधा समझिए, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, कि 15 लाख 20 लाख रुपया भी साल में कमाते हैं, लेकिन आप वहाँ पे खर्च दिखाते हैं कि ये मेरा खर्च है, सारा खर्च आप ITR फाइल करके दिखा देते हैं, और आपका इनकम 7 लाख के अंदर में होता है कि इतना मेरा बचत है अभी, तो आपको टैक्स नहीं देना है, वहाँ क्लियर कर देना, किसी प्रकार का टैक्स लगेगा ही नहीं आपको। तो इतना आसान प्रक्रिया है। ITR का नाम सुन के बहुत लोग डर जाते हैं। ITR फाइल करना चाहिए, आप अगर लेन देन अच्छा कर रहे हैं अकाउंट पे तो ITR फाइल करना चाहिए, इससे सब चीज़ क्लियर हो जाता है। इसके अलावा बता दूं कि ITR आप जितना का भी फाइल करते हैं, कम का करते हैं, ज़्यादा का करते हैं, इसलिए करना चाहिए कि वो पेपर आपके पास रहता है तो आपको लोन लेने में आसानी होती है। किसी भी बैंक में, फाइनेंस कंपनी में आजकल लोन लेने आप जाएंगे तो पहले ITR मतलब कि रिटर्न फाइल का आपके पास कॉपी मांगेगा कि 2 साल का रिटर्न फाइल का कॉपी चाहिए, ताकि उसको पता चले कि आप लीगल रूप से लेन देन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कितना का है उससे मतलब नहीं है, उसी हिसाब से लोन सेक्शन होता है, लेकिन ITR का जरूर कॉपी मांगा जाता है। तो ये भी आपको फायदा करेगा, आप करे रहेंगे तो आपको लोन लेने में आसानी होगी, कहीं से भी बहुत आसानी से आपको लोन मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगा, कोई भी चीज़ फाइनेंस कराना है आसानी से हो जाएगा। तो जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ वहाँ यूज इस्तेमाल इसका होता है, बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ITR फाइल करना चाहिए, लोन में भी आपको काम आता है। अब आपको बताता हूँ कि आप ITR फाइल नहीं करते हैं 20 लाख 25 लाख 30 लाख का, आप क्या करते हैं कि ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, आपके पास सोर्स भी पता नहीं है, मतलब ध्यान में है ही नहीं कि कहाँ से पैसा आया कहाँ गया, तो चलिए नोटिस तो नहीं आता है, आप ऑनलाइन लेन देन करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगभग नहीं ही आता है, लेकिन अगर बैंक ITR डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन कर दिया कि इस अकाउंट पर 50 लाख 1 करोड़ सेविंग अकाउंट पर ट्रांजेक्शन किया गया है इस साल में, तो इनकम टैक्स का रोड नोटिस आएगा। अब आपको जवाब देना है वहाँ पर कि ये पैसा का आपने किया क्या, कहाँ से आया, तो आप जवाब अगर नहीं दे पाते हैं तो फिर पता है आपको 200% तक पेनाल्टी आपको देना पड़ता है, 200% तक जुर्माना आपको भरना पड़ेगा अगर जिस पैसे का आप सोर्स ऑफ इनकम नहीं बताएंगे उसका, क्योंकि आपके पास सोर्स है, आप पैसा आया कहीं से, आपको पता ही नहीं कहीं से आपने इस्तेमाल किया, आपने उसका टैक्स नहीं दिया, तो आपके पास सोर्स पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो डरिए नहीं, सेविंग अकाउंट पे आप कितना भी लेन देन कर सकते हैं। अब आते हैं जनधन खाता पे, तो जनधन खाता का भी सेम प्रक्रिया है, यही है कि उसमें एक लिमिट किया गया है कि एक बार में 1 लाख रुपये से अधिक कैश जमा नहीं कर सकते, उसका यह लिमिट किया गया चूँकि ग्रामीण इलाकों के लिए ये खोला गया था और जो गरीबी रेखा से नीचे है उनके लिए खास तौर पर यह बनाया गया था जनधन खाता, जो मनरेगा में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, छोटे मोटे जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए जनधन खाता काफ़ी फायदेमंद है। सरकार की तरफ से उसमें इंश्योरेंस भी बहुत कम पैसों में दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी दी जाती है, तो वो जनधन खाता वाले के लिए थोड़ा अलग नियम है। तो ये नहीं है कि उस पर लेन देन आप नहीं कर सकते, ऑनलाइन जितना भी है ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बता दूं, बहुत लोग बिजनेस में यूज कर लेते हैं सेविंग अकाउंट को, तो आपको बता दूं बिजनेस आप कर रहे हैं किसी प्रकार का, दुकान है, शॉप है, फैक्ट्री है, कंपनी है, या फिर किसी प्रकार का कोई भी कारोबार है, तो उसका पैसे का लेन देन आप सेविंग अकाउंट पर ना करें। सेविंग अकाउंट का मतलब होता है, सेविंग अकाउंट का नाम ही होता है सेविंग अकाउंट, मतलब बचत खाता, वो आपका पर्सनल पैसा होना चाहिए, लेकिन बिजनेस का पैसा है, डेली का आपका ट्रांजेक्शन है, 50,000 1 लाख 2 लाख आप कर रहे हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कारोबार है, बिजनेस है, दुकान है, शॉप है, तो उसके लिए करेंट अकाउंट होता है, आप करेंट अकाउंट खुलवा लीजिए और उसमें अनलिमिटेड लेन देन कीजिए, करोड़ों का लेन देन डेली कीजिए, कोई फर्क नहीं है, बैंक आपसे कभी पूछने नहीं जाएगी पैसा आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ से रहा है, क्योंकि ये बिजनेस का पैसा है और उसको पता है कि बिजनेस में यूज हो रहा है, बिजनेस के लिए आ रहा है और बिजनेस में जा रहा है, तो उसमें कभी सवाल नहीं खड़ा किया जाएगा। और उसका अलग होता है, अलग हिसाब से आप GST फाइल करते हैं या फिर अलग तरह से उसके लिए टैक्स फाइल करते हैं, तो वो इसके लिए करेंट अकाउंट आप खुलवाइए, बिजनेस है तो करेंट अकाउंट खुलवाइए, बहुत आसान प्रक्रिया है, शॉप है तो शॉप के नाम से खुलवा लीजिए, कंपनी है कंपनी के नाम से खुलवा लीजिए, फैक्ट्री है फैक्ट्री के नाम से खुलवा लीजिए, GST करा लीजिए आप आराम से, MSME करा लीजिए, जाके करेंट अकाउंट खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती है, हर बैंक आसानी से खोल देता है। सेविंग अकाउंट पर कभी बिजनेस का ट्रांजेक्शन भारी भरकम न करें, नहीं तो ये भी आपको बहुत नुकसान देगी। मैंने आपको बता दिया कि अगर उसका सोर्स पता नहीं चल पाया, सेविंग अकाउंट पर आप लेन देन कर रहे हैं तो बिजनेस का कभी नहीं मानेगी, ना बैंक मानेगी और ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानेगा, तो इसीलिए आपको इस बात को समझ लीजिए कि बिजनेस का पैसा कभी सेविंग अकाउंट पर ट्रांजेक्शन नहीं करना है, लेन देन नहीं करना है, ये सारी चीज़। देखिए आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, और भी इससे संबंधित कोई जानकारी लेना है आपको, समय समय पर अवेयर आपको करता रहता हूँ, ये वीडियो बनाना इसलिए मेरा मकसद था, इसलिए बताया हूँ कि अभी 31 मार्च आ रहा है, और 31 मार्च यही नहीं, किसी भी 31 मार्च के बाद रिटर्न फाइल करना स्टार्ट हो जाता है, तो रिटर्न फाइल करना स्टार्ट हो जाता है 31 मार्च मतलब 1 अप्रैल के बाद क्या होता है, ITR फाइल करना स्टार्ट हो जाता है, शुरू होता है, और आपको 2 महीने 3 महीने का समय मिलता है कि उसके अंदर में आप कर सकते हैं।
तो इसलिए मैं आपको बता दिया कि आप अगर इस तरह का लेन देन करते हैं, नहीं करते हैं, किस प्रक्रिया में करना है आपको बताया मैंने, तो आप 31 मार्च के बाद ITR फाइल जरूर करें। हाँ, आपका इनकम 7 लाख से नीचे है, 5 लाख से नीचे है, तो आप ना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं है, अपने फायदों के लिए कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तो वो आपको ही फायदा मिलेगा भविष्य में। चूंकि मैं अवेयर आपको करता रहता हूँ, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ करना चाहिए, चाहे आपका जितना इनकम है करना चाहिए। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल घंटी होगा उसको भी दबाएंगे, ताकि टाइम टू टाइम इसी तरह अवेयर वाली वीडियो आपको मिलता रहे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर वीडियो आपको मिलता रहता है, आप देखते रहते हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।